ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बाजार। तो फाइनली दोस्तों हम दुर्बुक पहुंच चुके हैं और ये एक जगह है, ये देख लीजिए यहाँ पर स्तूप बना हुआ है, पहाड़ों पे बर्फ जमा हुआ है और यहाँ पर रेस्टोरेंट है और यहाँ पर दोस्तों खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद पेंगोंग को मिलेगी, ये दोस्तों रोड है सामने पेंगोंग का गया है और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये देख लीजिए। और ये दुर्बुक एक बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पर हमारी आर्मी का एक बेस कैंप है बहुत बड़ा, और इधर की साइड पेंगोंग है और बहुत सारे बाइकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने आपको बाइक ही बाइक दिखेंगी, देख सकते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड, बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं। तो सभी बाइकर कोई पेंगोंग से आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं पेंगोंग की ओर, और यहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ है तो हम चल रहे हैं पेंगोंग की ओर। और ये पेंगोंग का रास्ता है और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ढेर सारे रेस्टोरेंट हैं, आप बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। तो हमने फाइनली चाउमीन खा लिया है और चाउमीन खाने के बाद हम बढ़ गए हैं कहाँ कहाँ बढ़ गए हैं दोस्तों, पेंगोंग लेक की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज आपको थ्री इडियट शूटिंग का लास्ट सीन जो हुआ था ना, जहाँ से करीना कपूर आती है और आमिर खान को ढूंढते ढूंढते, तो वो दोस्तों लास्ट सीन है ना, वो पेंगोंग लेक पर ही फिल्माया गया था। बहुत ही शानदार झील है और बिल्कुल नीले कलर की है, और लगभग उसका 80% जो हिस्सा है ना वो चाइना में है और कुछ परसेंट 20% के लगभग हमारे इंडिया में है। तो चलिए हम चलते हैं पेंगोंग की ओर और ये नज़ारे भी देख लीजिए, बहुत शानदार नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं पेंगोंग लेक की ओर। और ये देख लीजिए बहुत शानदार नज़ारे हैं पेंगोंग लेक के। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों ये डेड तांग से आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी के बहुत सारे कैंप हैं और यहाँ पर भी एंट्री नहीं, सेंट लिखा है। तो इस रास्ते से हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे साथी कहाँ पर हैं। बहुत ही शानदार पुल, बहुत ही सुहाना पुल है दोस्तों, ये खूबसूरत पुल है। यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं कपल्स, और ख़तरनाक कपल्स हैं ये। देखता हूँ साथी हमारे कहाँ पर हैं, यहाँ पर कहीं मिलते हैं तो देखता हूँ मैं, कहीं पर तो नहीं दिख रहे मुझे। आगे हैं, चलिए तांग से, ये है दोस्तों तांग से और टू पेंगोंग। चलिए पेंगोंग की ओर चलते हैं। ये तांग से था, अभी हम जा रहे हैं पेंगोंग की ओर और ये है पेंगोंग का रास्ता। ये तांग से जगह है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की सभी जगह बहुत खूबसूरत हैं दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं। और चलिए आगे की ओर चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन, मतलब पेंगोंग लेक, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। हवा चल रही है बहुत तेज़, बारिश की भी संभावना है। और सामने है दोस्तों बिल्कुल नीले कलर की झील, जिसको कहते हैं पेंगोंग लेक। जी हाँ दोस्तों, ये चाइना से है और इंडिया में भी है, ये दोनों देशों को जोड़ती है ये झील, जिसको कहते हैं दोस्तों पेंगोंग लेक। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग लेक देख सकते हैं। चलिए आपको आगे दिखाएंगे पेंगोंग लेक के नज़ारे, और यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है पेंगोंग लेक। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग लेक आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे नज़ारे हैं इस झील के। बिल्कुल नीले कलर का पानी है दोस्तों, बिल्कुल नीले कलर का पानी देख सकते हैं आप। ओह या ऑल इज वेल। तो दोस्तों यही है जो कि हम जिसको देखने के लिए आए थे, वो है पेंगोंग लेक। और आगे हम चल रहे हैं और भी बताएंगे आपको, बहुत बड़ी लेक है ये, लगभग 45 किलोमीटर बोल रहे हैं कि 45 किलोमीटर की है। चलिए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं पेंगोंग लेक।
क्या नज़ारे हैं दोस्तों, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं दोस्तों। दिल खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया दोस्तों ये नज़ारे देख के। और यही कहता है दिल, ओ भैया ऑल इज वेल, ओ भैया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और यही है दोस्तों बहुत ही फेमस नज़ारा, बहुत ही प्यारा सीन, पेंगोंग लेक मतलब पेंगोंग झील। और इसी झील पर दोस्तों 3 Idiots फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देखते चले जाना। बहुत ही बड़ी झील है ये, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आगे बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों में से निकल के ये झील आ रही है। और उस साइड दोस्तों चाइना है, मतलब चाइना में से ये झील आ रही है। और लगभग बहुत सारा हिस्सा इसका चाइना में है, और हमारे इंडिया में तो कम ही हिस्सा है इसका, चाइना में ज़्यादा है। ये अभी स्लाइडिंग हुई है, अभी अभी देख सकते हैं आप कुछ मिनट पहले। ये बारिश होती है दोस्तों तो स्लाइडिंग होना स्वाभाविक है यहाँ पे पेंगोंग लेक पर। क्या बात है भाई, कितनी बड़ी झील है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या झील है, क्या झील है, क्या झील है। इसी को कहते हैं पेंगोंग लेक। पेंगोंग पेंगोंग, चलिए आपको दिखाएंगे नीले कलर का, और वही जगह दिखाएंगे जहाँ पे शूटिंग हुई थी, क्या बोलते हैं उसकी, 3 Idiots फिल्म की। ये स्लाइडिंग हुई है अभी अभी, ताज़ा ताज़ा, और ये ताज़ा रोड है इसलिए स्लाइडिंग हो जाती है इस रोड पर। लगता है अभी अभी पानी बरसा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। और ये रही वही झील जिसका किनारा किनारा हम चल रहे हैं और आगे आपको दिखाएंगे। वाह वाह वाह, क्या झील है दोस्तों, क्या नज़ारा है, क्या नीला कलर का पानी है दोस्तों, देखना कितना नीला पानी है दोस्तों, इतना नीला पानी शायद ही आपने देखा होगा। तो चलिए आपको दिखा ही रहे हैं, बने रहना आप तो, वीडियो देखते जाना, कमेंट करते जाना, लाइक करते जाना, अच्छा लगा है तो बताना यार, क्योंकि इतनी दूर मैं आया हूँ बाइक से आप सभी के लिए, वो भी पेंगोंग लेक के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग लेक, चलते हैं आगे आपको दिखाएंगे, बहुत ही शानदार व्यू, बहुत ही शानदार नज़ारे। और ये रही दोस्तों सामने अपनी पेंगोंग लेक। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग, अभी हम इसके बिल्कुल उस पर जाएंगे और आपको नज़ारे दिखाएंगे। बने रहना आप हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। दोस्तों सामने देख सकते हैं आप, वाटर क्रॉसिंग का एक बहुत बड़ा माया जाल आ गया है। अभी सोच रहे हैं कि इसको कैसे पार करें, क्योंकि बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग एक साथ हैं और ऊपर पानी बरसा है। तो अभी हम जा रहे हैं पेंगोंग, ये सामने पेंगोंग है, लेकिन जाएं कैसे, बस ये तय, रास्ता बहुत ही ख़राब है। हरिओम देखो निकलने की कोशिश कर रहा है, और ये गाड़ी उसकी फंस नहीं जाए, बच गई बच गई, चलो उसने तो निकाल ली। अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं आगे निकालने की, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि गाड़ी का पहिया फंस गया ना, तो गाड़ी वहीं पर फंस जाएगी, आगे कहीं पर रास्ता नहीं है। चलो निकालते हैं, निकल जाना निकल जाना। और फाइनली ये वाटर क्रॉसिंग तो मैंने पार कर दी है, आगे एक और है, ये देख लीजिए, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग है पेंगोंग लेक वाले रास्ते में, और ये भी हमने फाइनली पार कर दी है। चलिए आगे देखते हैं, और अब दिखाएंगे आपको अच्छे तरीके से पेंगोंग लेक के नज़ारे। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं पेंगोंग लेक पर, और ये पेंगोंग लेक का व्यू है। वहाँ पर 3 Idiots फिल्म की शूटिंग हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर वो रखे हैं वो जो ऑलिज बेल वाले। और ये बिल्कुल नीले कलर की झील है, और उसका हिस्सा चाइना में उधर वाला, और इधर वाला जी हमारा इंडिया में। बिल्कुल नीले कलर की झील है जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, आज थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई है, तो ये देख सकते हैं हम इस रास्ते से आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नई सराय ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एक ऐसी झील में जिसमें हुई थी दोस्तों 3 Idiots फिल्म की शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑल इज वेल, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। यहाँ पर एक 3 Idiots फिल्म का लास्ट सीन शूट हुआ था, वो कौन सा था कि करीना कपूर आती हैं किसको ढूंढने के लिए, आमिर खान को। और आमिर खान कहाँ मिलते हैं, इसी जगह पर मिलते हैं, देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ।
इसी जगह पर आमिर खान यहाँ पर मिलते हैं करीना कपूर इधर से अपनी एक छोटी सी मोटरसाइकिल चलाती हुई आती हैं और यहाँ पर उनका मिलन होता है। आपने देखा होगा वो लास्ट सीन, तो वो लास्ट सीन जो थ्री इडियट फिल्म का था वो इसी पेंगोंग लेक पर फिल्माया गया था। फाइनली मैं उसी लेक पर आ गया हूँ और आपको मैंने ड्राइविंग करके दिखा दिया और मोटो ब्लॉगिंग करते करते यहाँ आया हूँ। ये लद्दाख का टूर है मेरा और चारों तरफ बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ हैं, आप देख लीजिए। और आज एक्चुअली मौसम क्या है, बरसात का है, तो थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया है, नहीं तो ये जो पानी है ना बिल्कुल नीले कलर का पानी है, ऐसे चमकता है धूप में। वो एक्चुअली में क्या बारिश हो रही है इसलिए धूप नहीं पड़ रही, फिर भी आपको दिख रहा होगा कि कितना मतलब स्वच्छ पानी है, देख सकते हैं आप। तो वीडियो ज़रूरी अच्छा लग रहा होगा और इस जगह पर आकर दोस्तों मन प्रसन्न हो जाता है। तो कभी भी आप आएँ लद्दाख साइड आएँ घूमने तो पेंगोंग लेक दोस्तों आपको ज़रूर आना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर ये झील है जिसको कहते हैं पेंगोंग लेक। और ये लगभग कुछ परसेंट ही इंडिया में, बाकी ज़्यादा परसेंट तो दोस्तों चाइना में है और मेरे उस साइड है चाइना, उस साइड से ये झील आती है जो कि है नीले कलर की झील। चलिए आपको उस कैमरे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर थ्री इडियट फिल्म की शूटिंग हुई थी और उसी जगह पर मैं पहुँचा हूँ। आमिर खान से मिलने के लिए करीना कपूर आती हैं स्कूटर से और आपने उस फिल्म को ज़रूर देखी होगी। और ये है दोस्तों हमारी पेंगोंग लेक, देखते चाहिए पेंगोंग लेक के नज़ारे, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों। और इन नज़ारों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देख सकते हैं आप पहाड़ों पर बर्फ़ जमा हुआ है और यहाँ पर हमारे पत्रकार साहब इस पानी को देख रहे हैं, तो देख सकते हैं आप। और अभी क्या एक्चुअली में क्या बारिश हो रही है तो पानी आप देख सकते हैं बहुत ही कंचन पानी है और आगे तो और भी नीला नीला पानी है, देख सकते हैं दोस्तों आप, ये देख लीजिए। तो ये है पेंगोंग लेक, जी हाँ दोस्तों पेंगोंग लेक। तो फाइनली दोस्तों हमने ये पेंगोंग लेक देख ली है, घूम ली है, फ़ोटो वगैरह शूट कर लिए हैं, वीडियो भी बना लिया है। अब चलते हैं हम लगभग अपने रूम की ओर और यहाँ से 150 किलोमीटर दूर हमारा रूम है जैसा कि आप जानते हैं, तो वहाँ पर हम चलते हैं। अभी टाइम लगेगा, एक बार और देख लीजिए आप पेंगोंग लेक के नज़ारे राजा बाबू नई सराय ब्लॉग के माध्यम से, मोटो ब्लॉगिंग के माध्यम से। सामने पहाड़ हैं बड़े बड़े। अब आपको हम मिलेंगे घर पे, ठीक है दोस्तों।